यूं तो अब तक आपने कई जनजातियों के बारे में सुना ही होगा। धरती के कोने कोने पर कई ऐसी जनजातियां रहती हैं जो अपने अनोखे रस्म रिवाज के लिए दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। ऐसे ही आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताएंगे जो अपनी अनोखी परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मसाई जनजाति के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। यूं तो अफ्रीका में कई अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो वो है मसाई जनजाति की। ये जनजाति ज्यादातर तंजानिया और केन्या के इलाकों में पाई जाती है। लगभग 10 लाख के आसपास की जनसंख्या वाली यह प्रजाति दुनिया भर में चरवाहों और योद्धाओं के रूप में पहचानी जाती है। इस जनजाति में समूह का सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया होता है और फिर सभी को मुखिया के ही फैसलों को मानना होता है। ये समुदाय एक और विशेष कारण से भी जाना जाता है। दरअसल में इस समुदाय के ज्यादातर लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और ये समुदाय लाल रंग भी अपने शरीर पर पोते रहता है। बता दें कि मसाई जनजाति घुमंतुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करती है ताकि इनके जानवरों को चरने के लिए नई जगह मिल सके। इनकी एक और परंपरा काफी हैरान करने वाली है। यूं तो जब आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलते होंगे तो मुस्कुरा कर ही मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सामने से आए दोस्त पर दूसरा दोस्त थूक दे या फिर किसी जच्चा को जानवर का खून पीने के लिए दिया जाए? जी, ये सब भी मसाई जनजाति की खासियत है। इनके जीवन में जानवरों की भूमिका बहुत अहम है। मसाई जनजाति के लोग खाने में एनिमल ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों की माने तो खतना के बाद या फिर बीमारी और डिलीवरी जैसे मौकों पर ये जानवरों का खून पीते हैं। यहाँ पर जानवरों का खून दो तरीकों से ही पिया जाता है। पहला तरीका तो ये है कि ये जानवरों की गर्दन पर तीर से छेद करते हैं और फिर कुछ मात्रा में खून इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद इसका सेवन करते हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि ये जानवरों की गर्दन काट कर सीधे ही मुंह लगाकर खून पी लेते हैं। हालांकि इस समुदाय में अब ये परंपरा बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।